आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे जोबन पे, जोबन आया मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ जग बैरी का है संग हरी, आज रंग है। क्या बात है, कबूतर डरा दिए सारे तूने। कबूतरों को छोड़ो, अब्बा जी की तबीयत क्या हुआ? अब्बा जी को गुलाम अली, मैंने जब वो हवेली छोड़ी थी तो ये फैसला करके निकला था कि अब वापस उस वक्त आऊंगा जब पा यकूब का जनाजा उठेगा। तो ठीक है, मायूसी हुई ना तुझे? कैसी बातें करते हैं आप? वो मेरी बेटी है। अच्छा है, ताए के घर जा रही है। ये बात अब्बा जी, वैसे तो आप उनसे मिलते नहीं हैं और अब इस तरह से। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। मेरे ख्वाब सच्चे होते, मुझे घर जाना है, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। दिमाग तो ठीक है इस वक्त? अब्बा जी के तकिए के नीचे चाबियों का एक गुच्छा रखा है, वो गुच्छा उठा ला। माता ही बातें हैं तेरी, वैसे दावे करा लो तुझसे। ना जाओ ना मियां, आज मैं नहीं जाने दूंगी। क्या करेगी रोक के? क्या करेगी? छोटा सा काम तो तुझसे होता नहीं। और उन्हें नहीं पता चलेगा। वैसे तो तू बहुत कहती है कि मोहब्बत है मुझे आपसे। मोहब्बत को ना नाप मियां, लेकिन मियां मलकाने की चोरी? वे चोरी नहीं है, ये नहीं है ये चोरी। बेटा हूं अकलौता उसका, इस सारी जायदाद का मालिक हूं। अब अजी जिद में आके वो चाबी अपने पास लेके बैठे हैं, जिद में। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा है? अगर वो मर जाते हैं, खुदा ना खास, खुदा ना खास्ता, तो ये सब कुछ कोई और ले उड़ा तो वो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? तो मारी जाऊंगी कसमें। मियां मलकाने की चीज को बगैर पूछे हाथ लगाए। मैं कह रहा था ना तुझे, कह रहा था ना, ये कैसा इश्क है? और मेरी बात से ज्यादा तुझे मियां जी का डर है। लोग तो पता नहीं इश्क में क्या क्या कर जाते हैं, और एक तू है जो एक चाबियों का गुच्छा नहीं उठा के ला सकती वहां से, वो फिटे मुंह है तेरा। लो अब इश्क का नाम लिया है ना, तो इस नाम के पीछे मैं जान दे भी सकती हूं और जान ले भी सकती हूं। शाबाश ये, लेकिन ना तो मुझे तेरी जान चाहिए ना किसी और की, मुझे सिर्फ वो चाबियों का गुच्छा चाहिए बस।
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अब्बा जी और चाचा इसहाक शाही जिंदगी लड़ते रहे, और अब्बा जी के कहने पर सिर्फ एक ऐसे बाजारी औरतों की तरह सजा बनाकर भेज दिया। मैं चाचे इसहाक की तरह का मर्द नहीं हूं जो खूबसूरत बीवी देखकर सब कुछ भूल जाए। चला आके मेरे पैर दबा। क्या देख रही है? ज्यादा ना बन, वहीं आजा जहां तेरी जगह है। चल शाबाश। पता नहीं वहां मेरी जीजी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। अल्लाह करे वो खुश रहे। ओ मेरी जीजी, अब्बा कलाम चोरी करती है, चोरी
शर्म नहीं आती तुझे? आती है, बड़ी शर्म आती है, पर ये चोटियां तुम्हें लेके ही चुकूंगी। किसने भेजा तुझे? इस वक्त मेरे भाई ने, गुलाम फरीद ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, Yeah.
ओ बीबी जी, ओ बीबी जी, ओ बीबी जी माफी, मैंने आपको यहाँ देखा तो क्या हुआ है? हवेली में सब लोग क्यों रो रहे हैं? मैं मालूम करता हूँ मैं कौन है? हाय, लुट गए, बर्बाद हो गए, बड़े मियाँ जी फौत हो गए, लुट गए। न्यास है, बाहर खलकत आई है, जा जाके अफसोस ले। खुदा के काम है, उसी के अहकामात हैं। इंसान तो बड़ा कमजोर है, देख मेरा भाई भी तो मर गया है ना। अब तो आप जाएंगे ना ताया याकूब के घर? हाँ जाऊंगा, वरना लोग कहेंगे कि बाप जैसा भाई मर गया। इसहाक का दिल इतना पत्थर हो गया, इतना सफेद हो गया, उसकी फूड़ी पर भी नहीं आया। जाऊंगा। और जब लोग नजीर फातिमा का पूछेंगे तो गुलेराना है ना, वो अगर नजीर फातिमा का पूछेंगे तो मैं कह दूंगा गुलेराना है। बाजी गुलाम अली जा, बाहर जाके बैठ। मुझे अपने बब्बर शेर का गम मनाने दे। पाजी ने तो बड़ा इंतजार किया, पर मौत किसी का इंतजार नहीं करती सोनी।
इतनी जालिम क्यों होती है आप ही? मौत जालिम नहीं होती, लोग जालिम होते हैं जिनके डर से हम अपने प्यारों को रोते हैं कि उनके मरने के बाद लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। जीजी नहीं आई, जीजी नहीं आई, चाचा जी आए थे, कह रहे थे रोना वहां जाएगी, तब जीजी आई। भाई ने कहा होगा कि नराना वहां जाएगी और ना जीजी आएगी। नहीं, मैयत बाहर पड़ी है, तू कुंडिया लगा के किसको रो रही है? जब तू मरेगी ना तो चौक पे बैठ के मातम करूंगी। नजस्त, हम मजबूर बंदे हैं, अल्लाह की रजा के आगे क्या कर सकते हैं। जी चाचा जी, मंजूर है अल्लाह की रजा। बंदे की क्या औकात है, मेरा भाई याकूब, तेरा बाप बड़ा ही कौड़ा बंदा था, मेरे जवान बेटे और अपने होने वाले दामाद पर गोली चलाते हुए भी नहीं डरा, मगर मैं दिल में कीना नहीं रखता, मैंने उसे माफ किया। अब उसकी जगह पे तू है मियां गुलाम फरीद मलकाना। अब्बा जी को अंदाजा था, इसीलिए जल्दी जल्दी निकाह कर दिए। मेरा ख्याल था चाचा जी नहीं मानेंगे, पर वो तो उन्होंने जीजी को ना भेज के अच्छा नहीं किया। हाय,
आखिरी टाइम अब्बा जी को देख भी ना सकी मैं। तेरा क्या ख्याल है, अगर वो भेजना चाहते तो भेज नहीं सकते थे? रीत रिवाज इन्हीं के बनाए हुए, तोड़ सकते थे? वो जीजी से गुलाम रसूल का बदला लेंगे। वो जीजी को, जीजी को क्या, जीजी को क्या? आप ही कुछ नहीं, वो मैंने सोचा मैं देख लूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। ना मुस्कुराना, हमारे बाप को मरे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। बंदे की औकात कोई नहीं। मैंने सोचा देखूं कहीं ताले में चाबी ना लगी तो। चल चल निकल जाते, हर वक्त मेरे मुंह ना लगा कर। मुंह लगने का भी कोई वक्त होता है क्या? ये जो हरकत की है ना तूने, तेरी जगह कोई और होता तो जान से मार देता उस समय। मैं क्या करती, उन्हें पता चल गया था कि चाबियां आपने मंगवाई हैं। क्या कहता था यकूब मलकाना मरहूम? कहना क्या था? गालियां दे रहे थे आपको, बस उसी गुस्से में दौरा शौरा पड़ा और मर गए। मरते हुए कलमा भी नसीब नहीं हुआ। मुझे गालियां देते देते मर गए। पर मियां जी आपको इतना बुरा क्यों समझते थे? वो समझता था कि मैंने गुलाम रसूल को, इस वक्त मेरे को यहां से ज्यादा मैंने सन्ना चाट। चल हर वक्त आप ही बता देना, मुंह लगने का और सिर पे चढ़ने का वक्त। अब मुझे क्या पता किस वक्त क्या करना है। चल चल अभी निकल निकल। ओ आ ना, जो कुछ भी मेरे और भाई यकूब के दरमियान था वो यकूब की कब्र की मट्टी के नीचे दब गया। क्या था तुम दोनों के दरमियान? था कुछ,
हमारे दरमियान जो गुजर गया वो गुजर गया। अगर मैं ये कहूं कि मुझे पता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या था तो पता है तो क्या करेगा। नजीर फातिमा को अब्बा जी के साथे पर भेज देना। वो नहीं आएगी तो फिर राणा भी तुझसे मिलने नहीं आएगी। ना आए कभी भी नहीं आएगी, कभी भी ना आए। क्या किया है तूने नजीर फातिमा के साथ, बोल क्या किया है? मैंने कभी तेरे बाप से अपने बेटे के लिए पूछा? शहरों के बच्चे सवाल नहीं करते, फैसला करते हैं। कुदरत ने जो हमारे साथ करना था वो किया, ये उसके फैसले। हम लोग क्या कर सकते हैं? वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। बेशक बेशक बेशक। अब्बा जी की जहानत और दूर अंदेशी, ये दोनों बातें मानी हुई हैं। लेकिन जाने से पहले जो उनसे फैसला हो गया वो चाचा जी कह के गए हैं कि अब वो नजीर फातिमा को यहां वापस नहीं आने देंगे। हम चाहें तो उम्र भर गुर्रियाना को यहां रखें। क्या जीजी कभी वापस नहीं आएगी? जीजी के बदले में अब गुले राना हमारी हुई। हम जो मर्जी सलूक करें गुले राना के साथ। हमें क्या पता हमारी जीजी के साथ क्या सलूक हो रहा है? हो सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हो आप ही, सिर्फ हमें ही ना मिलने दे रहे हो। लग रहे ऐसा ही हो। ऐसा ही है आप ही, ऐसा ही है, क्योंकि इस तरह उनके पास हमारे खिलाफ एक हथियार मौजूद है। जी जी और हमारे खिलाफ? अब वो जी जी को हमारे खिलाफ भड़काएंगे, झूठी बातें बनाएंगे,
हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। क्यों ना हम उनकी चाल उन्हीं पे उलट दें? गुले राणा को उनके खिलाफ कर दें। वो आ जाएगी हमारी बातों में? बातों में क्या लाना है, बस जरा उसके साथ मोहब्बत से काम लेना है। नजीर फातिमा के वट्टे पे आई हुई औरत के साथ मोहब्बत। मैं तो कहता हूं कि घर का सारा निजाम उठाकर उसके सर पे डाल दो। क्या जरूरत पड़ी है तुम दोनों को नौकरों की तरह घर का काम करने की? चलो मगरिब होने वाली है, फातिहा पढ़ लो दोनों। हाँ हाँ पढ़ लो पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. टल जा, वो तुझे खुदा का वास्ता है, टल जा मेरे सर से। सारा कुछ सुन लिया है मैंने। क्या क्या सुन लिया तूने? वही जो आप पीजी से कह रहे थे। पिघला रहे हो ना उन्हें? कैसे पायो? ऐसे डंगरों की तरह कमरे में नहीं घुसते, दरवाजा खटखटा के आते हैं। मुझे आदत है ना निक्की मियां के कमरे में ऐसे ही आने की। जिसकी हवेली थी वो ही चला गया है तो रानी तो छाएगी ना। देखिए ये घर सिर्फ तेरा है, सिर्फ और सिर्फ तेरा। जिस घर का सरबरा अदसात हो तो घर घराना तो बन सकता है, खानदान नहीं। तूने अपने माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझना, शरीक का समझना।